So after a long, long, long hiatus, Dehradun Wala Vlogs is back with a bang. We are going to eat our way through the Ramadan night market at La Kemba. Back in Sydney, let's have a brand new start. Hello, hello, welcome back to Dehradun Wala Vlogs. Today we are going for a night event and guess it's a night market rather. It's a special night Ramadan market and we get nice tasty food there. It's the idea. We finally reached La Kemba station and just look at that crowd. Looks like it's not just us who had the brilliant idea of turning up for this night market. It seems that the rest of Sydney decided to join us as well. Hey, Tom Sawyer ne Huckleberry Finn ko de diya camera. Kehta hai tu kar, main khane ja raha hu. To in logon ne road closure kar rakha hai. Ab agar koi itni mehnat karke road close karta hai, to hamara to haq banta hai na ki ek customer hi hum road ke beech mein aake ek photo shoot to kar hi le. अब समझ में आया वहाँ क्यों कैमल रखा हुआ है क्योंकि यहाँ कैमल बर्गर बेच रहे हैं बेचारा दोनों एक साथ बोल रहे हैं सही बात है हाँ ये और किसी एनिमल के लिए कितने लगता है तुम लोगों को नहीं यार इतना बड़ा सुंदर मेजेस्टिक एनिमल का वही नहीं उनको भी खाना होता है तो इधर से स्टार्ट हुआ है मार्केट तो आप स्टेशन से उतरिए और प्लेसमेंट तो अच्छी है मार्केट की ईज ऑफ एक्सेस तो हम ट्रेन स्टेशन से चल तो रहे ना तो कोई सुगंध आ रही है ना कुछ दिख रहा है कुछ दिख रहा है खाना चलो मार्केट खत्म हो गई घर चले This is the market. This is the real market. ठीक है कनाफा कनाफे खाएंगे हम लोग द कनाफे हाउस कनाफे तो इजरायली वाला होता है ना जिसमें नीचे सॉफ्ट चीज होता है और उसमें ये लाइन है चलो जी राउंड मारते हैं बीच में से चलते हैं ये लाइन कनाफे खाएंगे मैंने सुना ये शाही दस्तर खान बढ़िया इंडियन कुजीन उसमें रुमाली रोटी है Wading our way through this bheed bhadakka, we tried to follow our nose. At this point, both Siva and I had decided if it's anything we can get somewhere else, like a biryani or say roti, we were not going to try it. We were only going to try something that was authentic here and we don't get it anywhere else in the world. Street light dal sakte the. ये देखो कनाफिट बदले कनाफिट बदले
खा रहे होंगे सब लोग। यहाँ के चिप्स तो नहीं 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 देखते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारे लिए वेजिटेरियन खाना होगा यहाँ पर। वो हैदराबादी क्विजीन के मेरे आँख में मिर्च लगे। सो इस थम्पिंग थम्पिंग साउंड से आई गॉट वेरी इंट्रीग। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, देखा तो ये आइसक्रीम एक्चुअली बना रहा है। ये आइसक्रीम बनती है दूध, कॉर्नस्टार्च, ऑरेंज ब्लॉसम, वनीला एक्सट्रैक्ट और ऑब्वियसली शुगर से। ये आइसक्रीम बड़ी बात नहीं है, उसके बाद इस आइसक्रीम को लेकर ये पूरे पिस्ताशियो में, मतलब पिसा हुआ पिस्ते में एक्चुअली रोल करता है। ये राम को बहुत पसंद आएगा, कम सॉल्ट शुगर है, बिल्कुल राइट है। कैसा लगा, क्या क्या आ रहा है? रोज बहुत ही बढ़िया और लाइट है, भारी नहीं लग रहा। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग ने अपना स्वीट ट्रिक से स्टार्ट कर रहा है, आगे भी और मिठास है। वैसे कहते हैं ना लेबनीज मिठाई तो हमें बहुत ही पसंद है, बकलावा इसको तो बहुत ही पसंद है। तो ये साइड साइड में ये मस्ती भी चल रही है, ये लोग भी कनाफे ही बेच रहे हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट मिड मार्केट पहुंचने के बाद हमने काफ़ी डिफरेंट स्पेलिंग्स देख ली थी। हमने देखी थी कनाफे, कुनाफा, कुताफा, किलाफा, किनाफा, कुनाफी, ये तो हम खुद ही बना रहे हैं ऐसे ही, बट एक्चुअली कुनाफे विथ ए एफ ई एच, फिर कुनाफा, कुनाफे, कनाफे, कनाफी भी देखा था हमने कहीं पर। तो हमने फिर एक अंकल से पूछा कि इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेलिंग्स क्यों हैं, तो वही बात है जी, जहाँ से आया वहीं की स्पेलिंग। तो अगर सीरियन है तो डिफरेंट स्पेलिंग है, लेबनीज है तो डिफरेंट स्पेलिंग है। कनाफे का स्पेलिंग क्या था यहाँ पर, कनाफे का ही स्पेलिंग अब बदल गया कुनाफा, बट सब वही डिश है, सेम डिफरेंट रीजन। तो ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं और ये दुकान का नाम है देसी हब। आई एम नॉट इम्प्लाइंग एनीथिंग, हाउएवर आई'ड लाइक टू इन्फर कि सबसे ज़्यादा भीड़ आपको दिख सकती है कि इस दुकान के सामने है क्योंकि आप आए हैं। बट इस दुकान की ये स्पेशलिटी ऑब्वियसली बाद में पता चले, हमें नहीं पता था, यहाँ पर हैदराबाद की हलीम बिरयानी मिलती है। हलीम क्या होता है ये आप गूगल कर लीजिए, बट हमारे लायक था नहीं क्योंकि वो वेजिटेरियन था नहीं। बट इस बात से एक किस्सा याद आया कि एक बार मैं हैदराबाद गई थी, एकदम स्कूल के बिल्कुल बाद गई थी, एक फाई का इंटरव्यू आया था, तो चले गए हम भी मूट आके।
अब वहाँ पर उन्होंने कहा व्हाट इज़ सो फेमस हियर, तो हमने कहा हलीम बिरयानी इज़ फेमस। हमने कहा वेरी गुड, एक हलीम बिरयानी दे दीजिए वेजिटेरियन में। तो उसके बाद उसने दुकान से बाहर नहीं निकाला, बट बेसिकली बेटा ऐसे नहीं होता करके समझाया। तो हमें पता ही अब नहीं खाना चाहिए हमें, एटलीस्ट वेजिटेरियंस को नहीं। बट दिस इज़ प्रीटी मच द एंड ऑफ दैट नाइट मार्केट। मैंने वही इसको कहा, मैंने कहा बिरयानी वगैरह वो सब क्यों खाएं जो हमें कहीं भी मिल जाता है, जैसे अभी पिस्ता आइसक्रीम खाए कहीं नहीं मिलता, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो सिर्फ यहाँ मिले, है ना। चलो मुआयना तो हम कराए, ब्यौरा तो हमको पता चल गया, ले आउट ऑफ द क्या, ले आउट ऑफ द लैंड, ले आउट ऑफ द लैंड। अब बताइए कहाँ रुकना चाहिए आप, कहाँ रुकना चाहिए, जो भी खाना चाहिए खा ले, इस बेचारे को तो नहीं खाना चाहिए। मैं तो वैसे भी नहीं खाना चाहता। गुड बाय। बेच रहा है पुडिंग, नहीं क्या देख जाती किसी से पूछते हैं और जो डिफरेंट बैंक करता है कताफे कुनाफे। विथ वॉलनट है विथ फ्रेश क्रीम है, विथ वॉलनट एक है विथ फ्रेश क्रीम एक है, वैसे फ्रेश क्रीम वाला तो भुजिया कैसे लेंगे, भुजिया कैसे ले, इंग्लिश भुजिया ले आया तो वॉलनट है एक में, ये लेबनीज भुजिया है क्या, लेबनीज भुजिया होगा। बोलना अब एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा किसमें वॉलनट है किसमें फ्रेश क्रीम, ये वाला वॉलनट है ये वाला फ्रेश क्रीम, एक बाइट ले लो पता चल जाएगा। ये पता है क्या याद दिला रहा है, स्कूल में वो आता था फ्रेश क्रीम वाला पॉप्स, क्रीम वाला है दूसरा, कैसे रसगुल्ला का आउटर है अंदर फ्रेश क्रीम, गुजिया बिल्कुल नहीं है, दूसरा खा के देखो, दूसरा वॉलनट वाला मैं बाद में खाती हूँ, गर्म है ठंडा है, खाली है कैसे है? अच्छा मैं टिश्यू ले आई, अच्छा मैं टिश्यू लाई, why am I trying to get everything to a relatable ground? बहुत ही क्रीमी दूध है, ये
खोलने की जरूरत नहीं, ऐसे भी बहुत ही क्रीमी है, इलायची भी है, इतना क्रीमी है। हाँ, वरना सीधा मिल्क में तो इतना क्रीम आएगा ही नहीं। रबड़ी टाइप है, कौन सा हमारा? कंजी। कंजी इसके लिए चार दुकानें दूर से लाइन शुरू है, और ये लाइन दो यू मार के फिर जाके है, तो आप सोच लीजिए कितनी लंबी लाइन है, दो घंटे के लिए। We are here to have kanafe. Kanafe is a sweet dish which is made out of cheese and semolina. मतलब वो सेविया cheese के ऊपर with sugar syrup and lots of dry fruits. Let's see how it tastes today. Take your first bite. Kha kha. Pehle tu kha. Good. Apne usse better hai? No. New Zealand. Yuzhnu is a top class. This will come second. क्योंकि वहाँ तुम 7-star restaurant में खा के आए हो। वो Gordon Ramsay से भी खा चुका है वहाँ पर। ये सेवइयाँ से बनती है। इसका top layer ये सेवइयाँ हैं और नीचे goat cheese होना चाहिए। और यहाँ पता नहीं कौन सा चीज़ है जो इतना खिंच रहा है। Nice. एक और डब्बा चाहिए? बस कम कम ही ये ठंडा खराब हो जाएगा। बस हमारा तो निपट गया। तो हम आए ट्रेन स्टेशन से उतरे, पहले हमने जगह का मुआयना किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने वो तो 2 घंटे लग जाते। टू हैव रुमाली रोटी, कोई नहीं रुमाली रोटी तो मैं घर पर बनाती हूँ। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। ये था जी लकेम्बा का रमादान नाइट मार्केट, जिसमें हमने खा पी के नाइसली डाइजेस्ट करके अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं। तो थैंक यू बोलते हैं लकेम्बा नाइट मार्केट को और वापस चलते हैं अपने
घर को